गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। श्वसन की क्रियाविधि बोलें या मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन कहें। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी सिनॉप्सिस के बारे में या रूपरेखा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, ए टू टाइप के होते हैं एरोबिक और एनएरोबिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। ये थ्री स्टेप में कंप्लीट होते हैं इसके मैकेनिज्म। पहला है गैस एक्सचेंज, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए स्टूडेंट वन बाई वन करके इसका हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं। तो पहला है परिचय या इंट्रोडक्शन। अगर हम लोग रिस्पायरेशन की या श्वसन की परिचय की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो कह सकते हैं श्वसन सभी जीवों में होने वाली एक अनिवार्य जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया क्यों है? क्योंकि ये जीवों में हो रहा है, सजीवों में हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जैविक क्रिया है। जिसके अंतर्गत सभी जो सजीव होते हैं फूड मटेरियल मतलब भोज्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में क्या करते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसका उपयोग क्या करते हैं, जो सजीव होते हैं, जो ऊर्जा प्राप्त हुआ है उसका यूज अपने जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए या सुचारू रूप से चलाने के लिए यूज करते हैं जितने भी सजीव होते हैं। और जो श्वसन होती है वो टू टाइप की होती है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। मैं पहले ही बता दिया था आप लोग को सिनॉप्सिस में, रूपरेखा में। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें रिस्पायरेशन की, तो कह सकते हैं श्वसन या रिस्पायरेशन एक जैव रासायनिक क्रिया है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मतलब जीव में हो रहा है, जैव रासायनिक है, केमिकल मतलब रासायनिक क्रिया, इसलिए केमिकल, ठीक है। जिसके अंतर्गत सजीव क्या करते हैं, जो सजीव होते हैं, जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड मटेरियल जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जितना हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में मतलब उपस्थिति और अनुपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी हमें प्राप्त होती है। और इस एनर्जी का हम यूज क्या करते हैं, वर्क करने के लिए, अपना काम करने के लिए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे में एनर्जी है, मेरे बॉडी में क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी तो आप लोग को मैं पढ़ा पा रहा हूँ अभी। ओके स्टूडेंट, तो ये था रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन को हम लोग इक्वेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे लोग जो खाना खाते हैं उसमें मान लो कि हम लोग क्या ले लिए, ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के क्या उपस्थिति में क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मतलब जल और एनर्जी प्राप्त होती है। जो एनर्जी होती है वो हमें क्या करता है, एनर्जी ताकत देता है, शक्ति प्रदान करता है काम करने के लिए। ओके स्टूडेंट, और जो ये जो एनर्जी प्राप्त हो रही है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कह सकते हैं तो जो हमारे जानते हैं हमारा जो बॉडी होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। और सेल में क्या पाए जाते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का एक भाग होता है इनर मेम्ब्रेन पर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, क्या, क्रिस्टी। जो क्रिस्टी होती है वहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं F0F1 पार्टिकल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजोम बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या, ऑक्सीजोम या ऑक्सीसोम बोलते हैं। और ऑक्सीसोम या F0F1 पार्टिकल में ही क्या होता है, क्रिस्टी के श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, मतलब रिस्पायरेशन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, कंप्लीट होती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि श्वसन क्रिया या रिस्पायरेशन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो ऑक्सीसोम बोल सकते हो, क्रिस्टी, क्रिस्टी के ही भाग पर ऑक्सीसोम में होता है। और एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बोलें तो कहाँ पर होता है, F1 पार्टिकल पर होता है। कहाँ पर होता है स्टूडेंट, F1 पार्टिकल होता है क्रिस्टी में, वहीं पर क्या होता है, ATP का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। तो जैसे कि मैं डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझा सकता हूँ, देख लीजिए एक डायग्राम है, ठीक स्टूडेंट, क्या है डायग्राम, मान लो क्या है आप लोग का ऑक्सीसोम है, और ये ऑक्सीसोम में क्या होता है, सबसे ऊपर में हम लोग क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल, और ये बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं आपका, जो स्टार्क होता है, सॉरी क्या, स्टार्क, और जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और बेस में ही कौन सा भाग होता है, F0 होता है। तो जो आप लोग का ये तीन भाग हो गया, ऊपर में हेड हो गया,
और बीच में क्या हो गया, स्टाक। तो जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो हेड वाले पार्ट पर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ1 पार्टिकल। और एफ1 पार्टिकल इसे हम लोग क्यों बोलते हैं, एफ1 का मतलब क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसकी खोज की थी, जिनका नाम क्या था, फर्नांडिज मोर्गन। ठीक है, क्या फर्नांडिज मोर्गन था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ1 पार्टिकल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके आगे टाइप्स के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में। तो श्वसन कितनी प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला होती है एरोबिक और दूसरा होती है एनएरोबिक। तो पहला क्या होता है, एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक मतलब ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी ऐसी क्रिया जो ऑक्सीजन के क्या होती है, प्रेजेंस में होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो ऑक्सी श्वसन होगा तो क्या होता है, फूड जो मटेरियल होते हैं उसका ऑक्सीकरण होगा। तो कितना एनर्जी प्राप्त होता है, कैलोरी की हम लोग बात करें तो 673 किलो कैलोरी प्राप्त होता है एनर्जी। कितना, 673 किलो कैलोरी। और एटीपी के रूप में बात करें तो 38 एटीपी प्राप्त होता है, किससे, एटीपी कितना होता है, 38 एटीपी ऑक्सी श्वसन से। अगर हम लोग बात करें कि इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है स्टूडेंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑक्सी श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, आपका CO2 होता है और H2O होता है। क्या होता है, CO2 और H2O। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें किसकी, अनाक्सी श्वसन की, तो इसका नाम ही है अनाक्सी, मतलब एब्सेंस में, अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में होगा, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, माइनस मतलब एब्सेंस में होगा कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें जो एनर्जी प्राप्त होती है कितनी प्राप्त होती है, 2 ATP प्राप्त होती है। अगर ATP के रूप में हम लोग देखें तो 2 ATP के रूप में प्राप्त होती है। और कैलोरी में बात करें तो 21 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, किससे, अनाक्सी श्वसन से, एनएरोबिक रिस्पायरेशन से। और इसकी जो अंतिम उत्पाद होती है, इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, एथिल अल्कोहल और क्या होता है आप लोग का, CO2 होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे अभी नीचे थ्योरी के रूप में। तो देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एरोबिक, तो मैं बताया था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और ये सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। और मैं बताया कि इसका जो अंतिम उत्पाद होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, वाटर होता है और CO2 होता है। ओके स्टूडेंट, और रिएक्शन जो कंप्लीट होता है कहाँ पर होता है, जो अभिक्रिया पूर्ण होती है तो कहाँ पर होती है, एक क्वेश्चन आता है, जितने भी यहाँ पर पॉइंट मैं लिखा हूँ सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना पूरी पूरी है, हाल ही जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या हो गया, वाटर और CO2। और कंप्लीट कहाँ पर होता है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है एरोबिक रिस्पायरेशन और साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। उसके साथ साथ कितना प्रॉफिट होता है ATP मॉलिक्यूल का, 38 ATP प्राप्त होता है। और इसमें जो एनर्जी प्राप्त होती है कैलोरी के रूप में कितनी होती है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम लोग देखेंगे इसका एरोबिक जो रिस्पायरेशन होते हैं उसके इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रिया होती है एरोबिक, तो ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेंगे और H2O, और हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है। एनर्जी कितना प्राप्त होता है, 673 किलो कैलोरी के रूप में प्राप्त होता है, या 38 ATP हम लोग कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जो सेकेंड टाइप है किसका, रिस्पायरेशन का। तो देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन तो खत्म हो गया, हम लोग देखेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसका नाम ही है अनाक्सी, मतलब अस्य अनुपस्थिति। किसकी अनुपस्थिति, आप लोग की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। और ये जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, वो कहाँ पर होती है, जीवाणु या बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं, ईस्ट में होती है, कवक या फंजाई, ये सभी में क्या होती है, एनएरोबिक टाइप का क्या होता है, रिस्पायरेशन या श्वसन पाया जाता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एंड प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, एनएरोबिक जो रिस्पायरेशन होते हैं उसमें एंड प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल होता है और CO2 होते हैं, मैं जैसे पहले ही बता चुका था आप लोग को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिएक्शन कंप्लीट कहाँ पर होता है, तो कंप्लीट होने की बात की जाए तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में, ओनली किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। जबकि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ साथ वो कहाँ पर होता था, माइटोकांड्रिया में होता था, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, लेकिन इसमें एनएरोबिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट ATP मॉलिक्यूल, कितने अणु
की प्राप्ति होती है, कितना लाभ होता है, तो 2 ATP अणु प्राप्त होता है, जबकि उसमें 38 ATP हो रहा था। ऑप्टेंट एनर्जी मतलब प्राप्त एनर्जी, कितनी एनर्जी प्राप्त होती है कैलोरी के रूप में, तो 21 किलो कैलोरी, जबकि उसमें 673 किलो कैलोरी हो रहा था, किसमें, एरोबिक रिस्पायरेशन में। ये डिफ्रेंसेस भी हम लोग इसको मान सकते हैं और डेफिनेशन भी मान सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे इसके इक्वेशन के बारे में, किसके, एन एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, अनाक्सी शोषण के बारे में। तो ये ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन को नहीं दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हैं क्या है, ग्लूकोज है, और जो ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, वो जब ऑक्सीकरण करते हैं किसका, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, जिसको हम लोग एथेनॉल भी बोलते हैं, और क्या बनता है, CO2 बनता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब श्वसन की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। तो श्वसन की जो क्रियाविधि होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला है गैस एक्सचेंज, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग 1 by 1 करके इसका डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहला है गैस एक्सचेंज, कहाँ पर, लंग्स पर। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में देखिए, सामान्य रूप से हम लोग बात करें तो जो मनुष्य होते हैं वो वातावरण से, जैसे हम लोग ही हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वातावरण से, इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं किसमें, नोज के द्वारा, नाक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, सांस लेके करते हैं। ओके स्टूडेंट, जब सांस लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में प्रवेश क्यों करता है, क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, इन्वायरमेंट में जो वातावरण में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो कितना होता है, एक सेकंड स्टूडेंट्स, इसको हम लोग रेट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए PO2 100 mmHg मतलब कितना होता है, 100 mmHg होता है, और हमारे शरीर में उसी टाइम कितना होता है, 40 mmHg क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, किसका, ऑक्सीजन का। तो देखो शरीर के अंदर में कितना है, 40 है, शरीर के बाहर में कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का, कितना है, 100 है, तो 100 से 40 की ओर आएगा, क्योंकि अधिक से ही कम की ओर कोई भी चीज़ जाता है, अगर हमारे शरीर में रहता तो हमारे शरीर से बाहर जाता, लेकिन हमारे शरीर में तो कम मात्रा में है तो हम लोग को और चाहिए, इसीलिए क्या होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो प्रेशर कितना होता है उस समय इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन का 100 होता है, इसीलिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के नोज के द्वारा हमारे लंग्स में पहुँच जाता है। जब लंग्स में पहुँचता है तो वहाँ पर देखिए लंग्स लिखा हुआ है, तो वहाँ पर एल्वुलाई होता है, मतलब कुपिका होता है, कुपिका क्या होता है स्टूडेंट, वहीं पर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, जो डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो अशुद्ध रक्त होते हैं उसको क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है, कौन करता है, जो ऑक्सीजन होता है ओ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हुआ, एल्वुलाई मतलब हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुपिका, तो कुपिका में क्या होता है आप लोग का, डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के माध्यम से जब डिफ्यूजन क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, जब डिफ्यूजन की क्रिया होती है तो कहाँ पहुँच जाते हैं स्टूडेंट, ब्लड कैपिलरी में पहुँच जाते हैं, और ब्लड कैपिलरी में जब पहुँच जाएंगे उसके माध्यम से, ब्लड कैपिलरी से फिर क्या होता है, ये होते हुए जैसे पल्मोनरी जो वेन होते हैं वो कहाँ पहुँचा देते हैं, लंग्स में पहुँचाते थे, कहाँ पर पहुँचाते हैं, लंग्स में पहुँचा देते हैं। तो ये था लंग्स की बात। अब आगे हम लोग बात करेंगे टिश्यू की, तो उससे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा इसका थ्योरी, ठीक है, कि लंग्स पर क्या होता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देखिए, एट लंग्स, लंग्स पर देखिए, सामान्य अवस्था में जब हम वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं, सांस लेते हैं, तब वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, कितना होता है स्टूडेंट, 100 mmHg होता है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 mmHg। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन को ही लेते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ मात्रा में क्या होता है, इन्वायरमेंट हम लोग का क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ और जो गैसेस होते हैं इन्वायरमेंट में वो भी हमारे बॉडी में आ जाते हैं। इसी समय क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन विहीन मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जो अशुद्ध रक्त होते हैं, ठीक है, में जो ऑक्सीजन में जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर वो कितना होता है, 40 mmHg, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 46 होगा। तो मैं आप लोग को इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, ये हम लोग का मान लीजिए क्या है, ये हम लोग का क्या है, मान लीजिए ये लंग्स है, क्या है स्टूडेंट, लंग्स। तो बाहर में इन्वायरमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इन, ठीक है, इन्वायरमेंट में कितना है, 100, क्या है 100, तो यहाँ पर 100 है ऑक्सीजन, और 40 क्या है,
46 है CO2, ठीक है, सॉरी 46 है, एक सेकंड स्टूडेंट्स, फिर से हम बनाते हैं इसको, ठीक है, तब समझ में आएगा। देखिए ये क्या है हम लोग का, लंग्स है, क्या है मान लो लंग्स है, तो लंग्स के बाहर में बात करें यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण से, ठीक है, तो वातावरण में 100 mmHg है, क्या है 100 mmHg, तो ऑक्सीजन है, और CO2 कितना है स्टूडेंट उसी टाइम में, CO2 यहाँ पर कितना है आप लोग का 40 mmHg है, कितना है 40 mmHg है, क्या है CO2 है। तो देखिए और हमारे शरीर में लंग्स में कितना है 40 है, क्या है 40 क्या है ऑक्सीजन, तो देखिए 100 वाला जो ऑक्सीजन है मतलब इन्वायरमेंट में कितना है 100 प्रेशर है, तो 100 से कहाँ जाएगा 40 की ओर जाएगा, मतलब हमारे लंग्स में जाएगा, ये हम लोग का क्या है लंग्स है, फेफड़ा है, ओके स्टूडेंट, क्या है फेफड़ा, तो फेफड़ा में क्या हो जाएगा ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, और ठीक उसी टाइम में क्या होता है इन्वायरमेंट में 40 प्रेशर किसका है CO2 का, जबकि हमारे शरीर में मतलब लंग्स में कितना है 46 है, तो ये 46 से कहाँ जाएगा बताओ 46 से 40 की ओर जाएगा, मतलब अधिक से कम की ओर हमेशा कुछ भी चीज़ जाता है, तो फेफड़ा से हमारा क्या होता है जो CO2 होते हैं वो बाहर जाता है, हम लोग जब सांस छोड़ते हैं ऐसे करके, जब छोड़ते हैं तो क्या होता है वो बाहर निकलता है CO2, जब सांस लेते हैं तो क्या होता है जो ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो किस कारण से होता है, उसमें प्रेशर जो होते हैं, प्रेशर जो डिफरेंस होता है, पार्शियल जो प्रेशर डिफरेंसेस होता है, उसी के कारण ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और जो CO2 होता है हम लोग शरीर से बाहर जाता है, ओके स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इसका थ्योरी को अब पढ़ते हैं, इसको लिख दिया हूँ मैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग को पढ़ के समझा देता हूँ। तो देखिए इसी समय क्या होता है डिफ्यूजन की क्रिया होती है, क्या होती है इसी समय डिफ्यूजन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इसी समय डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा लंग की एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन होते हैं ब्लड कैपिलरी में पहुँच जाते हैं, तथा CO2 विसरण क्रिया के द्वारा ही ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में पहुँचा दिया जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए डायग्राम में समझा रहा हूँ आप लोग को मैं, यहाँ पर देखिए बस शॉर्ट में आप लोग को समझाता हूँ, थोड़ा सा बस वेट कीजिए 2-5 सेकंड, ठीक है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर हम लोग का लंग्स में क्या पहुँच रहा है ऑक्सीजन पहुँच गया लंग्स में, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर बाहर में कितना था 100 था, जबकि यहाँ पर 46 प्रेशर क्या था हम लोग का CO2 था, कितना प्रेशर था 46 कहाँ पर लंग्स में, तो ये लंग्स से कहाँ जाएगा बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर में कितना है प्रेशर 40 है, तो अधिक से कहाँ जा रहा है कम की ओर, मतलब 46 से 40 की ओर जा रहा है, और बाहर कितना था 100 था ऑक्सीजन, तो बाहर से कहाँ आएगा 40 की ओर आएगा, मतलब हमारे शरीर में कितना था 40 था O2, तो 100 से 40 की ओर आएगा, बस ऑक्सीजन में हमारे शरीर में आएगा और CO2 बाहर जाएगा, क्योंकि क्यों जाएगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है इसलिए, ओके स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा लंग्स और लंग्स पर, और बात करेंगे टिश्यू पर, ओके स्टूडेंट। तो हमारे शरीर में क्या पहुंच गया है ऑक्सीजन पहुंच गया है, और कहाँ पहुंच गया लंग्स से होते हुए कहाँ पहुंच गया है हम लोग के हार्ट में पहुंच गया है, ठीक है, कहाँ पर पहुंच गया हार्ट में पहुंच गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल्वियोलाई में पहुंचा दिए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ दिया जाता है, तो शरीर से हम लोग के बाहर क्या करते हैं CO2 को छोड़ देते हैं, ओके। फिर इसके हम लोग बात करेंगे ऊतकों पर, तो ऊतक मतलब टिश्यू पर कैसे क्रिया होती है उसको हम लोग समझते हैं, तो डायग्राम को पहले समझते हैं फिर हम लोग थ्योरी में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो ऑक्सीजन था कहाँ पहुँच गया हम लोग के पल्मोनरी वेन के माध्यम से, किसके माध्यम से पल्मोनरी वेन के माध्यम से कहाँ पहुँच गया है लेफ्ट ऑरिकल में, जब लेफ्ट ऑरिकल क्या होता है संकुचित होता है स्टूडेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो ये लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ जो गेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइपास वाल्व, वो क्या होता है ओपन हो जाता है, जब ओपन होगा खुल जाएगा तो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, जब वहाँ पहुँचता है तो फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है संकुचित होता है तो ब्लड कहाँ से अवर्टा से होते हुए अवर्टा के माध्यम से हमारे डिफरेंट बॉडी में पहुँच जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में हम लोग शरीर के हम लोग के सभी भागों में पहुँच जाता है, तो उस समय भी प्रेशर इसका कितना होता है ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो 100 होता है और CO2 का प्रेशर कितना होता है 40 होता है, ओके स्टूडेंट। उसके बाद जब ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूजन क्रिया करेगा क्या करेगा स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, जब डिफ्यूजन की क्रिया होगी तो ये आप लोग का जो ब्लड कैपिलरी है ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा टिश्यू में पहुँच जाएगा, देखिए यहाँ पर टिश्यू और सेल में पहुँच जाएगा, तो उस समय टिश्यू और सेल में जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, कितना होता है 40 होता है, जबकि CO2 का प्रेशर क्या होता है हाई होता है 46, इसीलिए फिर से डिफ्यूजन क्रिया करेगा और एक टिश्यू और ऊतक से कहाँ पहुँच जाएगा आपके इसमें पहुँच जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटीरियर और
पोस्टीरियर बिना केवा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीरियर और पोस्टीरियर बिना केवा के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगा ये आप लोग के स्टूडेंट राइट ओरिकल में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है आप लोग के राइट ओरिकल में पहुँचेगा। उस समय क्या होता है इम्प्योर ब्लड होता है। क्यों होता है क्योंकि जो जैसे ही ऑक्सीजन आता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है फूड मटेरियल को क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है और बनता क्या है जल CO2 बनता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो कहाँ जाएगा वो पहुँच जाता है ब्लड में मिलकर मतलब रक्त में घुल के कहाँ पहुँच जाता है आपके राइट ओरिकल में पहुँच जाता है। जब राइट ओरिकल में पहुँच जाएगा तो क्या होगा जो राइट ओरिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है संकुचित होता है। जब संकुचित होगा तो यहाँ पर होता है आप लोग का ट्राइकास्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व होता है ट्राइकास्पिड वाल्व होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइकास्पिड वाल्व। जब वो ओपन होगा तो ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा राइट ओरिकल से कहाँ पहुँच जाएगा स्टूडेंट राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा तो फिर से संकुचित होगा राइट वेंट्रिकल तो किसके माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगा स्टूडेंट आपके ब्लड कैपिलरी से होते हुए लंग्स पर पहुँचेगा। और लंग्स पर पहुँचने के बाद क्योंकि इसमें प्रेशर कितना होता है 46 प्रेशर होता है किसका CO2 का। तो जो 46 प्रेशर होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट होता है अवशिष्ट पदार्थ होते हैं CO2 इसलिए हमारे शरीर से वो बाहर जाना अनिवार्य नहीं तो हमारे सेहत के लिए क्या होगा वो हानिकारक होते हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड लंग्स में क्या होता है शुद्ध होने के बाद सबसे पहले कहाँ आएगा लेफ्ट ओरिकल में आएगा बताया लेफ्ट ओरिकल में आएगा ठीक है। किसके द्वारा आएगा पल्मोनरी वेन के माध्यम से आता है। इस समय ऑक्सीजन क्या होता है PO2 100 mmHg होता है और CO2 कितना होता है 40 mmHg होता है बताया था डायग्राम में। इसके बाद लेफ्ट ओरिकल क्या होता है संकुचित होता है बताया। जब संकुचित होगा तो कहाँ आएगा बाइकास्पिड वाल्व क्या होगा ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट खुल जाता है और फिर कहाँ पहुँचा दिया जाता है उसको आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाता है तो फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब क्या होगा संकुचित होगा फिर से संकुचित होगा तो अवर्टा के माध्यम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं अवर्टा के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में चल जाता है पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। मैं डायग्राम में आप लोग को समझाया हूं आप लोग समझ गए होंगे। इस समय भी ऑक्सीजन PCO2 कितना होता है 100 होता है और CO2 कितना होगा 40 mmHg होता है ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा इसमें डिफ्यूजन क्रिया होगा ये ब्लड कैपिलरी में पहुंच गया फिर डिफ्यूजन क्रिया होगा मतलब विसरण की क्रिया होगी और कहाँ पहुंच जाएगी ये टिश्यू उत्तक में पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स उसके बाद आप लोग की जबकि विसरण क्रिया के द्वारा जो CO2 होता है ना वो उत्तक से कहाँ पहुँचेगा ब्लड कैपिलरी में पहुँचेगा फिर ब्लड कैपिलरी से फिर कहाँ क्योंकि ये वेस्ट हो गए मतलब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हो गया उसमें CO2 होता है तो कहाँ पहुँचा दिए जाएंगे अब इन ऑक्सीजन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुनः एंटीरियर बिना केवा और पोस्टीरियर बिना केवा में पहुंचा दिया जाएगा। मैं बताया था आपको थ्योरी में ठीक है। उसके बाद राइट ओरिकल में पहुंचा दिए जाएंगे फिर ये क्या होगा इस प्रकार से राइट ओरिकल में पहुंचेगा फिर से संकुचन होगा फिर वो कहाँ पहुँचेगा आपके राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा। राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ पहुँचता है स्टूडेंट तो मैं बताया था राइट वेंट्रिकल से कहाँ पहुँचता है आप लोग के कैपिलरी में पहुँचेगा। देखिए यहाँ पर कैपिलरी पहुँचेगा कैपिलरी से फिर कहाँ पहुँचेगा ये CO2 46 प्रेशर होता है इसलिए बाहर चला जाएगा हम लोग की बॉडी से बाहर चल जाता है। इस प्रकार से आप लोग का क्या होता है गैस एक्सचेंज होते रहता है कंटिन्यू क्या होता है गैस एक्सचेंज होते रहता है। अगर स्टूडेंट ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बाद ऑल बटन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं इस प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।